रहीम सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि YouTube पर वीडियो सही तरीके से किस तरह अपलोड कर सकते हैं और उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको करने पड़ते हैं। सिर्फ बस वीडियो अपलोड करने से व्यूज, सब्सक्राइबर या लाइक नहीं बढ़ जाते, लेकिन वीडियो को अपलोड करने के साथ साथ आप लोगों को चंद तरीके हैं उसे अपनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों की वीडियो पर व्यूज भी आएंगे, लाइक भी आएंगे, इंशाल्लाह ट्रेंडिंग पर जाएगी। तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि यूट्यूब पर प्रॉपर तरीके से वीडियो किस तरह अपलोड करते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप ना कीजिए, किसी पॉइंट को मिस ना कीजिए, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को YouTube पर जाना पड़ेगा। YouTube पर जाने के लिए आप लोगों को YouTube पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को यहाँ दो तरीके बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले कि YouTube पर वीडियो किस तरह अपलोड करते हैं। पहले स्टेप को अपनाते हैं, उसके बाद हैशटैग थंबनेल किस तरह लगाते हैं, बाद में वो इंशाल्लाह वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन वीडियो को स्किप ना कीजिए। यहाँ आप लोगों को प्लस का निशान क्लिक करना पड़ेगा। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। क्रिएट शॉर्ट, अपलोड अ वीडियो, गो लाइव, क्रिएट पोस्ट, अपलोड वीडियो पर क्लिक करें तो आप लोग अपनी गैलरी में जाएंगे जहां से आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। जिस वीडियो को आप लेना चाहते हैं उस वीडियो को आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक और तरीका भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गैलरी पर। गैलरी के अभी मैं एक वीडियो पर क्लिक करता हूँ। नीचे आप लोगों को ऐड, शेयर, डिलीट, मोर वगैरह का जो आइकन नजर आ रहे हैं उसके सबको छोड़कर शेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद आप लोगों को YouTube पर क्लिक करना पड़ेगा। YouTube पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि अपनी वीडियो को अनलिस्टेड पर रखना पड़ेगा, यानी अनलिस्टेड को सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों की वीडियो जब अपलोड हो जाए तो किसी को नजर ना आए। प्रॉपर हैशटैग थंबनेल लगाने के बाद उस वीडियो को फिर लोगों के सामने प्रायोर करने के बाद उसका इंप्रेशन लोगों के सामने अच्छा जाएगा और आप लोगों की वीडियो बिल्कुल ट्रेंडिंग में जाएगी। तो ये वीडियो को अनलिस्टेड करने के बाद बैक जाते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। यस इट इज मेड फॉर किड्स, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स। ये बच्चों के लिए है या ये बच्चों के लिए नहीं। अगर आपका चैनल बच्चों वाला है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, बच्चों वाला नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप अगर दोनों के लिए है तो आपको इस ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपका आपकी वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपलोड होने और वीडियो को छोड़ते हैं। वीडियो अपलोड होने के दौरान आपको मैं दूसरी तरीका आप सिखाने जा रहा हूं। तो आप लोगों को YT स्टूडियो यानी यूट्यूब स्टूडियो में जाना पड़ेगा। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इनमें आप लोग देख रहे हैं कि नीचे डैशबोर्ड है, कंटेंट है, एनालिस्टिक है, कमेंट्स है, मोनेटाइज है। तीनों ऑप्शन, चारों पांचों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपको वो वीडियो ऊपर नजर आएगी। तो ये थ्री डॉट है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करने के बाद एडिट वीडियो पर क्लिक करना पड़ेगा। एडिट वीडियो पर क्लिक करने के बाद
आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा कि लोगों को टाइटल का नाम वेट्यू की तरह रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इस वेट्यू को नाम दे रहा हूँ, ये एक नेचर वेट्यू है, मैं इसे देता हूँ नेचर वेट्यू। इसके अलावा आप जो कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को आना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन एड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने वेल्यू के मुताबिक रखनी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेल्यू वायरल पर जाए और सर्च में आ जाए, तो सबसे पहले आपको अपनी YouTube लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ये वेल्यू को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाय आई एम पलान, टुडे माय टॉपिक इज, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि मेरा नाम पलान है, मैं आज इस मौजू के मुतालिक वेल्यू बना रहा हूँ। तो आप की मर्जी, आप जिस तरह बना सकते हैं लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई पाबंदी नहीं, आप लिख सकते। लेकिन जो वेल्यू में हो रहा है वो इधर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, उलट पुलट कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ हैशटैग देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को हैशटैग देने के बाद आप लोगों को यहाँ टैग्स, नीचे वाला जो आखिरी ऑप्शन है टैग्स कैटेगरी कमेंट्स एंड मोर, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को हैशटैग यहां डालनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको अपने चैनल के मुताबिक, मसलन मेरा नाम है, मेरे चैनल का नाम है जलाल सर ऑफिशियल। ठीक है, मैं अपने चैनल पर नाम का नाम लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि टैग नंबर एक हो गया। और ये जब टैग सही तरीके से आप लगाएंगे तो इस तरह कुछ इस तरह नजर आएगा। उसके बाद आप लोगों को तकरीबन 4 टैग और भी लगानी पड़ेगी सकता। उसके अलावा आपको यहाँ वेल्यू की कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपकी जिस कैटेगरी की वेल्यू उस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, मसलन मेरी वेल्यू ट्रेवल एंड इवेंट्स, क्योंकि मैंने नेचर का वेल्यू अपलोड किया हुआ है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ट्रैक्स सॉरी ट्रेवल एंड इवेंट्स मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप लोगों को अपनी वेल्यू के मुताबिक इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन सब सेटिंग के बाद आपको बैक जाना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप अपनी वेल्यू को थंबनेल देना चाहते हैं, जो ये जो पेन का निशान नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों के सामने वेल्यू से 3 थंबनेल यूट्यूब देगा। अगर आपको पसंद आए तो उसे सेलेक्ट कर, पसंद ना आए तो यहाँ आपने जहाँ पर थंबनेल बनाया है तो उसे आप लोगों को यहाँ देना पड़ेगा। मसलन मैं एक थंबनेल इसे देता हूँ। ठीक है, ये एक थंबनेल मैंने ले लिया, मैं इसे ये अपनी वेल्यू पर लगाना चाहता हूँ। इसी वेल्यू का इंप्रेशन अच्छा होगा, क्लिक थ्रो रेट यानी CTR अच्छा होगा, तो मैं डन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने डन पर क्लिक कर दिया, सब सेटिंग हो गया। इसी सेटिंग के बाद आप लोगों की वेल्यू को कोई भी आप लोगों की वेल्यू को ट्रेंडिंग्स में जाने से नहीं रोक सकता। इसके बाद आप लोगों को सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। सेव पर क्लिक करने के बाद अभी नेट का मसला है, थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, अभी इसका जो सेटिंग है सेव हो गया। अभी हमें दोबारा यूट्यूब पर जाना पड़ेगा। तो यही सेटिंग इंशाल्लाह इसी वेल्यू पर वीडियो अपलोड हो रहा है। वीडियो अपलोड होने के बाद इंशाल्लाह यही सेटिंग वेल्यू पर आप लोगों को नजर आएगा। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया कि वेल्यू पर जो सेटिंग मैंने किया था वो सेटिंग बिल्कुल यहाँ नजर आ गया। इस पर लिखा हुआ है नेचर वेल्यू, मैंने उधर लिखा था नेचर वेल्यू। ठीक है, अभी आप लोगों को एक और सेटिंग करना। इसके बाद आप लोगों को पेज कंटेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अनलिस्टेड के बाद ये जो ऊपर का सबसे पहला ऑप्शन है पब्लिक पर क्लिक करना पड़ेगा।
मैं आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूं, इसलिए मैं पब्लिक पर क्लिक नहीं करूंगा, तो आप लोगों को पब्लिक पर क्लिक करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।